हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है झांसी फोर्ट आ चुके हैं, किले के पास आ चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई के। तो यहाँ पर उधर शायद आप लोग को दिख रहा होगा, वहाँ पर जो है लड़ाई का पूरा सीन दिखाया गया कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों के साथ जो है लड़ाई लड़ रही थी। और अभी जो है हम लोग किले के अंदर जाने वाले हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा काम उधर जो है चल भी रहा है, लेकिन अभी हम लोग अंदर जाएंगे और टिकट वगैरह शायद लेना पड़ता है, तो भी आपको दिखाएंगे कितने रुपए का टिकट मिलता है, तब आपको अंदर जाने को मिलता है। और उसके बाद अभी देख रहे हैं नीचे से आना पड़ रहा है, काफ़ी ऊंचा पड़ रहा है, तो हम लोग को जो है काफ़ी चढ़ान करना पड़ेगा, यानी चढ़ाई करनी पड़ेगी, और ऊपर भी जो है काफ़ी घूमना पड़ेगा क्योंकि किला आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा है। तो अभी चलते हैं टिकट घर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग जो है ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी जो है चढ़ान है यहाँ पर, तो सिटी भी यहाँ से आपको नजर आएगी। अभी यहाँ पर टिकट काउंटर आपको बाहर ही मिलेगा, यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है पर पर्सन। अमर 25 रुपए है, 25 टिकट लेके अंदर हम लोग चल रहे हैं। ये है टिकट, इधर आप लोग देख सकते हैं। तो दो 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 टिकट बैग में कुछ खाने का तो नहीं है? कैसा का बैग में? पूरी पराठे दो नमकीन। ना ना ना, अच्छा खाना ले जाने पे अंदर खाना ले जाना, 500 रुपए जुर्माना देना होगा तब लेके आना आप। तो हम लोग अभी एंटर हो चुके हैं अंदर की तरफ। ये रहा टिकट, 25 रुपए देना पड़ेगा तब आप अंदर आएंगे। खाना वाना मत लाइएगा, नहीं तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अंदर खाइएगा तो पकड़े जाने पर। तो इधर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जो है चढ़ाई, यानी कि नीचे से हम लोग आ रहे हैं अभी वहाँ से संग्रहालय से। तो यदि आप लोगों ने संग्रहालय का, उसके बाद पार्क है रानी लक्ष्मीबाई का, तो वहाँ का वीडियो हमने किया था और पूरा संग्रहालय दिखाया था, तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। इधर तोप रखी गई है और वहाँ से चल रहे हैं, तब से ऊँचाई ही मिल रही है हम लोग को, सीधे ऊपर ही चढ़ना पड़ रहा है और धूप ऊपर से है, सूर्य भगवान देख सकते हैं ऊपर से एकदम, बिल्कुल बहुत थक गए अभी और चढ़ना पड़ेगा। चलो अभी बहुत चढ़ना पड़ रहा है, ये तो आए हैं शायद पहले घूमे तो बोल रहे थे बहुत चढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं पैदल, और पूरा का पूरा चढ़ाई है, ऐसे चढ़ना पड़ेगा आपको। तो अभी हम लोग गेट के पास पहुँच चुके हैं, यानी कि जो अंदर जाने का रास्ता है। लाइट लगवा दी है, रात को फोकस जाएगा, मस्त लगेगा। और इधर क्या बोल रहे थे, फोकस, हाँ ये लाइट लगी है। इधर गेट भी वही पुराना वाला, पुराना मतलब, अरे मतलब तब से, हाँ पुराने जमाने वाला। यहाँ पर आएंगे तो ये लिखा है कहाँ कहाँ जाने का रास्ता, पंचमहल, गौस खाना की कब्र, अमोद बाग। तो पहले हम लोग किधर चले है, इधर चलो पहले घूम के तब आते हैं, इधर से नीचे से ना, उसके बाद चलेंगे लास्ट में पंचमहल। तो इधर आप लोग देखिए, फिर आगे देखते हैं, कुछ चीज दिखाने वाला होता है दिखाते हैं आप लोग को। तो अभी हम लोग को जो है पीछे एक जगह दिखी जहाँ पर काफी सारे लोग छाया में जो है लेटे हुए हैं, आमोद बाग है वो, उसी को बोलते हैं। तो अभी जो है धूप इतना ज्यादा है तो कुछ लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, वहाँ लेटे हैं। कमरा कहाँ? अरे कमरा देख लो, ऐसे छोटे छोटे कमरे थे, उधर अंदर में बना होगा ना, इधर ऊपर महल पंचमहल क्या था ना, वही ऊपर है पंचमहल। तो इधर आप लोग को दिखा देते हैं हम, थोड़ा जर्जर हो गया है, जर्जर हो गया, कहाँ से गिरा है पता नहीं, अलग से कहीं से आया, रखा गया बनाने के लिए शायद से, ये बनाने के लिए रखा गया सामान ना, हाँ बनाने के लिए रखा गया है। तो ये पूरा मोरंग वगैरह आया है, लाल मिट्टी तरीके का है, पूरा बनाने के लिए सामान रखा गया है। और ऊपर चलें क्या हैं, ऊपर से ऊपर यार चढ़ना पड़ेगा, फिर इधर चलो घूमते हैं ऊपर, उधर चलेंगे अभी।
दोस्तों ये यहाँ का अभी सबसे समतल एरिया हमें लग रहा है और बाकी पूरा का पूरा किला आपको चढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि पूरा इतना ऊंचाई पर है, पूरा एकदम आपको आएंगे तो पूरा चढ़ाने पे आपको आना पड़ेगा। लेकिन अभी फिर से हम चल रहे हैं सबसे ऊंचा स्थान किले का, जहाँ पर भारत की तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तो इधर से जाने का रास्ता है और फिर से एक बार हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। और जो है यहाँ से अभी सबसे ऊपर का स्थान है यहाँ पूरे किले का, और वहाँ चलेंगे, ऊपर तिरंगा झंडा भी भारत का लहरा रहा है, उसके साथ साथ आप लोग को दिखाएंगे जैसे कि पूरा सिटी जो है यहाँ से अच्छे से दिखता है। थोड़ा जल्दी आओ अमर, धूप बहुत तेज लग रहा है। आई थिंक आप लोग को लग रहा होगा कि सबसे ऊंचा स्थान है, समझ लीजिए पैर दर्द करेगा आपका यदि यहाँ पर आते हैं, इतना चढ़ान है समझ लीजिए। अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे ऊंचे स्थान पर, पूरे किले का सबसे ऊंचा स्थान है इधर। आप लोग देख सकते हैं हमारे देश का तिरंगा झंडा सबसे ऊंचे स्थान पर लगा हुआ है। थोड़ा और चढ़ते हैं तब उसके पास पहुंचते हैं, और थक गए चलते चलते, अब पहुंच चुके हम सबसे बड़े स्थान पर, यानी कि इस किले का जो सबसे बड़ा स्थान है वहां पर। तो यहां से पूरा का पूरा सिटी आपको दिखेगा, ये तिरंगा झंडा आप लोग देख सकते हैं हमारे देश का। उसके बाद ये लाइटिंग वगैरह भी की गई है, इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा चारों तरफ जो है इधर लाइट आपको फ्लैश करती है उस पर झंडे पे, तो रात में कलर बहुत ही अच्छा दिखता होगा। उसके बाद पूरी की पूरी जो है सिटी, यानी कि पूरी झांसी सिटी आपको यहां से दिख रही है, इधर से आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी झांसी की सिटी यहां से आपको दिखेगी। आप यहां पर आ जाएंगे, सबसे ऊंचा स्थान है किले पर आएंगे, तो यहां से पूरा का पूरा सिटी आप देख सकते हैं चारों तरफ, यानी पूरी सिटी जितनी है झांसी, इधर जिधर भी नज़र घुमाएंगे आप चारों तरफ जो है आपको सिटी नज़र आएगी। क्योंकि पहले के जो बनते थे ये महल वगैरह, तो इतने ऊंचे बनते थे कि वहां से जो है सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाए कि क्या चीज़ कहां पर हो रहा है। तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आप चारों तरफ देखेंगे तो बीच में किला है और चारों तरफ आपको जो है पूरा घर दिखेगा, यानी कि पूरी की पूरी सिटी जो है दिखेगी। और इधर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे से हम लोग उधर से आए थे, उधर से आने का रास्ता है, उधर आपको संग्रहालय उधर सामने दिख रहा है, और इधर जो है पार्क रानी लक्ष्मीबाई पार्क दिख रहा है, इधर जो पेड़ वगैरह दिख रहा है ये पार्क है, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बनाई गई डेवलप की जा रही हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, तो बर्दाश्त करने की क्षमता धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, पूरा सिटी आप लोगों ने देखा है यहाँ से जो है दिख रहा है, और अभी हम लोग चलते हैं और भी अगर कुछ होता है उधर तब दिखाते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर चित्र बना हुआ है, और अभी हम लोग पूरा जो है घूम रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमने विजिट की और आप लोग को दिखाया। अभी आगे भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें बची रह गई हैं या फिर सारी चीज़ें हम लोग ने जो है घूम लिया है। उधर साइड थोड़ा बचा है तो अभी हम लोग जो है उधर साइड चल रहे हैं। अब तक हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो घूमते घूमते हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो है पहले महल बनाए जाते थे, इतनी ऊंचाई पर जो है बनाया गया, वो भी पत्थर जो है लगाकर, सारे पत्थर जोड़ जोड़ के इस फोर्ट का निर्माण किया गया, और बहुत सारे ऐसे फोर्ट हैं जो कि बड़े बड़े बनाए गए हैं पुराने ज़माने में, ना तो कोई तब टेक्नोलॉजी होती थी ना कुछ होता था, किस तरीके से जो है बनाए जाते थे। आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी जो है इस तरीके के जो है आपको महल वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके की ऊँची बिल्डिंगें बहुत बन जाती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है इस तरीके के फोर्ट का किले उले बनाए जाते थे, महल वगैरह बनाए जाते थे कि ऊँचाई पर इतनी बनाए जाते थे, उसके बाद पत्थरों का यूज होता था, और साथ ही साथ जो है किस तरीके से इतना ऊंचाई तक वो पत्थर ले जाते थे, कैसे उसकी जोड़ाई चिनाई वगैरह करते थे, तो हम यही सोचकर कभी कभी परेशान होते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि किस तरीके से जो है वो लोग जो है बनाते थे, आप लोग कमेंट में बताना। अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि क्रेन वगैरह आ गया है कि चीज़ें आसान होगी आपको एक जगह से सामान रखने में दूसरी जगह पर, लेकिन पहले किस तरीके से पत्थर लाते थे सब, और किस तरीके से इतनी ऊँचाई पर चढ़ के सब लोग जोड़ते थे, तो ये चीज़ हमारे समझ से बाहर जा रहा है। अभी भी
काफी जो चीजें जो है बिखर गई हैं, तो उसको जो है सेट करने का जो है यहाँ पर काम चल रहा है, यानी कि जो पुरातत्व विभाग की टीम है तो वो यहाँ पर जो है चीजें सही कर रही है, जो टूट टूट गया है तो वो चीजें यहाँ पर जो है सही हो रही है। काफी निर्माण कार्य चल रहा है उधर, कुल सब चीजें सही की जा रही है। अभी हम लोग उधर से जब आए थे, एंटर किए थे, तो ये चीज हम लोग अभी ऊपर चलते हैं। इधर से बंदे हो अमर, आओ आओ इधर लगातार, लेकिन हम बैग पड़ गई का इधर, इधर से आगे हम लोग अंदर। अभी छाया काफी टाइम के बाद मिली, तो पूरा का पूरा उधर महल टाइप का बना हुआ है, पता नहीं पुराने जमाने का या फिर नया बना है, ये चीज नहीं पता है, लेकिन उधर चल रहे हैं घूमने। आओ आओ उधर थोड़ा घूम लेते हैं, उधर से फिर निकल के चलते हैं। फिर हो गया, अब तक चढ़े थे हम लोग, अब उतरेंगे, नीचे उतरना अब ढलान पे। इधर कार्यालय है। अभी हम जो है दिखा रहे थे कि अंदर क्या चीज है उधर बना हुआ है, तो वो पंचमहल था। अभी आप लोग को फोटो लगा देते हैं, तो उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी अंदर हम लोग आ चुके हैं, तो इधर ऊपर का तल है और कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर बना हुआ है, और इधर चलते हैं। इधर से भी आने का जो है इधर से भी रास्ता है, तो इधर से हम लोग आए, अभी इधर से निकल भी रहे हैं, निकल के हम लोग पहुंच चुके हैं बाहर, अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ हम लोग। तो दोस्तों पीछे अभी आप लोगों ने देखा जो कि हमने आपको दिखाया वो था पंचमहल, पूरा आपको दिखाया। अभी हम लोग फिर से नीचे की तरफ एक बार उतर रहे हैं ढलान की तरफ। दोस्तों अभी हम लोग जो है फोर्ट के बाहर आ चुके हैं, यानी कि जो इधर का मेन गेट है, अभी वहां तो एक गेट है जहां से हम लोग को बाहर निकलना है, लेकिन यहां से जो है अंदर जो जाने का रास्ता है वहां से हम लोग आ चुके हैं बाहर। और आप लोग को जो है पूरा फोर्ट दिखाया, पूरा किला दिखाया, किस तरीके से बना हुआ है, इसका डिजाइन किस तरीके से है, इधर बाहर से भी आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा बना है। और आप लोग आए हैं कि नहीं आए यहाँ पर, कमेंट करके आप लोग एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो अमर भाई जो है बहुत इनको प्यास लग गई है और पानी की तलाश में इनको बहुत जल्दी है, और अब तो नीचे उतरना है। अब तक तो हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ा था, लेकिन अब नीचे उतरना है, ऊपर नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, ढलान नीचे की तरफ है अब। तो आप लोग जो है जहाँ से आए तो एक बार यहाँ पर जरूर आए, विजिट करें, क्योंकि पुरानी चीज़ें देखेंगे तो जो है पुरानी चीज़ों के बारे में जो है आप लोग को जाना चाहिए कि किस तरीके से जो है स्वतंत्रता मिली हमें। सारी चीज़ें संग्रहालय में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई, यहाँ पर आएंगे तो आप लोग को जो है अपने भारत के इतिहास के बारे में आप लोग को जानने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड संग्रहालय का वीडियो और पार्क गए थे हम लोग, वो वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।